हाय फ्रेंड्स, आज पुरुलिया सॉन्ग पर डीजे रिमिक्स स्टेटस सिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैं टेलीग्राम पर आप लोगों को पूछा था सॉन्ग पर ट्यूटोरियल चाहिए। तो सबसे ज़्यादा पुरुलिया सॉन्ग डीजे स्टेटस इसमें ज़्यादा पॉइंट आया, तो इसलिए आज पुरुलिया सॉन्ग पर डीजे रिमिक्स स्टेटस लेकर आ गया हूँ। प्रीव्यू तो देख लिया, वीडियो कैसे होने वाला है तो वीडियो को एंड तक देखें बिना स्किप किए। और अगर जिन्होंने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। और इस तरह और भी स्टेटस एडिटिंग सीखना चाहते हो मेरे चैनल से तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर दो लिंक मिल जाएगा, सेकीपेट प्रोजेक्ट और बिटमार्क प्रोजेक्ट। तो इन दो प्रोजेक्ट को एलाइट मोशन में इनपुट करना होगा सबसे पहले। तो इनपुट करने के लिए ये जो थ्री डॉट है यहाँ पर टच करना होगा और शेयर ऑप्शन को टच कर देना। उसके बाद एलाइट मोशन आएगा, इसको टच कर देना तो इनपुट प्रोजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर से बिटमार्क प्रोजेक्ट को इनपुट कर लेना, तो उसके लिए फिर से थ्री डॉट पर क्लिक करना, शेयर ऑप्शन पर क्लिक करना और एलाइट मोशन को टच कर देना तो इनपुट प्रोजेक्ट हो जाएगा। और अगर बिटमार्क प्रोजेक्ट में सॉन्ग डिलीट हो जाता है तो सॉन्ग दोबारा कैसे ऐड करते हैं उसके लिए एक वीडियो बना दिया। इस तरह और भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करना। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एलाइट मोशन ऐप को ओपन करना होगा। तो ओपन करने के बाद ये जो प्रोजेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना और टेलीग्राम से जो बिटमार्क प्रोजेक्ट को इनपुट किया था उसको ओपन कर लेना। तो ओपन करने के बाद इंटरफेस इस तरह दिखाएगा। तो बिट नहीं करना है, मैं बिट पहले से करके रखा हूँ, आप लोग फ़ोटो को ऐड कर लेना। तो फ़ोटो ऐड करने के पहले तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर एक वीडियो मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना। तो डाउनलोड करने के बाद उस वीडियो को यहाँ ऐड करना होगा। तो उसके लिए प्लस आइकन पर टच करना, इमेज वीडियो पर चले जाना, व्यू ऑल पर चले जाना और जिस फाइल में आपका वो वीडियो रहेगा उसको ऐड कर लेना। तो ऐड करने के बाद और कुछ नहीं करना है, फिल स्क्रीन भी नहीं करना है। तो ये जो एरो आइकन है इस पर टच कर देना और ये जो आगे का जो पार्ट है इसको काट कर लेना। तो उसके लिए यहाँ पर टच कर देना तो आगे का जो पार्ट है वो काट हो जाएगा। उसके बाद फिर से फर्स्ट में चले जाना और प्लस आइकन पर टच कर देना और डबल एडिट टेक्स्ट पर टच कर देना। उसके बाद इमोजी ऐड करना होगा, तो उसके लिए इमोजी को ऐड कर देना। उसके बाद ये जो ऑप्शन है इसको टच कर देना और मिडिल में जो ऑप्शन है इसको टच कर देना और ये जो है इसको इस तरह नीचे कर देना, तभी ये इमोजी दिखाएगा, नहीं तो देखो नहीं दिखाएगा। उसके बाद ये जो 18 पिट है इसको टच कर देना और एक बार टच कर देना और इसको इस तरह बड़ा कर लेना। उसके बाद और कुछ नहीं करना है, इसको इस तरह कर लेना। उसके बाद यहाँ पर टिक कर देना। उसके बाद मूव एंड ट्रांसफर में चले जाना, जूम ऑप्शन पर चले जाना और थोड़ा जूम कर लेना। उसके बाद ये जो ऊपर में जो ऑप्शन है इसको टच कर देना और इस तरह मिडिल कर लेना। उसके बाद ये जो एरो आइकन है इस पर टच कर देना और एक बार टच कर देना। उसके बाद ये जो ऑप्शन है इसको टच कर देना तो ये जो वीडियो का जो लेयर है उस तक ये लेयर आ जाएगा। तो उसके बाद फ़ोटो को ऐड करना। फ़ोटो को ऐड करने के लिए प्लस आइकन पर टच करना, इमेज वीडियो पर चले जाना, फ़ोटो को ऐड करने के लिए फ़ोटो को टच करना, उसके बाद थ्री डॉट पर टच करना और फिल स्क्रीन कर लेना। उसके बाद ये जो एरो का आइकन इस पर टच कर देना और यहाँ से कट कर लेना। उसके बाद फिर से प्लस आइकन पर टच करना, इमेज वीडियो पर चले जाना और एक फ़ोटो ले लेना। उसके बाद फिर से थ्री डॉट पर क्लिक करना, फिल स्क्रीन कर लेना। उसके बाद एरो आइकन पर टच करना और यहाँ से कट कर लेना। उसके बाद फिर से एक फ़ोटो ऐड कर लेना। तो ऐसे करके आप लोग सभी फ़ोटो को पहले ऐड कर लेना। तो सभी फ़ोटो को ऐड करने के बाद ये जो एरो का आइकन इस पर एक बार टच कर देना और ये जो फ़ोटो है ये फ़ोटो में हम इफेक्ट लगाएंगे। तो उसके लिए बैक हो जाना और सेकीपेट प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। तो ओपन करने के बाद ये जो फर्स्ट में जो इफेक्ट है इसको कॉपी करना होगा। तो उसके लिए फ़ोटो को टच करना, इफेक्ट पर जाना, थ्री डॉट पर जाना और कॉपी कर लेना। उसके बाद फिर से बैक हो जाना और बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। तो ओपन करने के बाद फर्स्ट फ़ोटो में चले जाना और ये जो फ़ोटो है ये फ़ोटो में हम इफेक्ट लगाएंगे। तो उसके लिए फ़ोटो को टच करना, इफेक्ट पर जाना, थ्री डॉट पर जाना और पेस्ट कर देना। उसके बाद फिर से एरो आइकन पर टच करना, फ़ोटो को टच करना, इफेक्ट पर जाना, थ्री डॉट पर जाना और पेस्ट कर देना। उसके बाद फिर से एरो आइकन पर टच करना, फ़ोटो को टच करना, इफेक्ट पर जाना, थ्री डॉट पर जाना और पेस्ट कर देना। उसके बाद फिर से एरो आइकन पर टच करना, फ़ोटो को टच करना, इफेक्ट पर जाना, थ्री डॉट पर जाना और पेस्ट कर देना। उसके बाद फिर से एरो आइकन पर टच करना, फोटो को टच करना, इफेक्ट पर जाना, थ्री डॉट पर जाना और पेस्ट कर देना। फिर से एक बार एरो आइकन पर टच करना, फोटो को टच करना, इफेक्ट पर जाना, थ्री डॉट पर जाना और पेस्ट कर देना। तो 7.005 सेकंड तक ये इफेक्ट देना है। उसके बाद जो छोटे छोटे फोटो है, ये फोटो में हम अलग इफेक्ट देंगे, तो उसके लिए फिर से बैक हो जाना और सेकिपेट प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। तो ओपन करने के बाद ये जो 2 नंबर पर जो इफेक्ट है इसको कॉपी करना होगा। तो उसके लिए फ़ोटो को टच करना, इफेक्ट पर जाना, थ्री डॉट पर जाना और कॉपी कर लेना। उसके बाद फिर से बैक हो जाना और बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। तो ओपन करने के बाद तो ये जो छोटे छोटे फोटो है, ये फोटो में हम ये इफेक्ट लगाएंगे। उसके लिए फ़ोटो को टच करना, इफेक्ट पर जाना, थ्री डॉट पर जाना और पेस्ट कर देना। उसके बाद फिर से एरो आइकन पर टच करना, फोटो को टच करना, इफेक्ट पर जाना, थ्री डॉट पर जाना और पेस्ट कर देना। उसके बाद फिर से एरो आइकन पर टच करना, फोटो को टच करना, इफेक्ट पर जाना, थ्री डॉट पर जाना और पेस्ट कर देना। तो ऐसा करके आप लोग ये इफेक्ट को इन फोटो में लगाना है। तो 10 सेकंड की जो आगे फ़ोटो है, इन फोटो में ये इफेक्ट लगाना है। उसके बाद 10 सेकंड के बाद जो फोटो है, इन फोटो में हम फिर से अलग इफेक्ट लगाएंगे। तो उसके लिए बैक हो जाना और सेकिपेट प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद ये जो 3 नंबर पर जो इफेक्ट है इसको कॉपी कर लेना। तो उसके लिए फ़ोटो को टच करना, इफेक्ट पर जाना, थ्री डॉट पर जाना और कॉपी कर लेना। फिर से बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद 10.002 सेकंड पर आ जाना है और आ जाने के बाद ये फ़ोटो में ये इफेक्ट लगाना है। तो उसके लिए फ़ोटो को टच करना, इफेक्ट पर जाना, थ्री डॉट पर जाना और पेस्ट कर देना। उसके बाद फिर से एरो आइकन पर टच करना, फोटो को टच करना, इफेक्ट पर जाना, थ्री डॉट पर जाना और पेस्ट कर देना। फिर से एरो आइकन पर टच करना, फोटो को टच करना, इफेक्ट पर जाना, थ्री डॉट पर जाना और पेस्ट कर देना। उसके बाद फिर से एरो आइकन पर टच करना, फोटो को टच करना, इफेक्ट पर जाना, थ्री डॉट पर जाना और पेस्ट कर देना। उसके बाद फिर से एरो आइकन पर टच करना, फोटो को टच करना, इफेक्ट पर जाना, थ्री डॉट पर जाना और पेस्ट कर देना। तो ऐसे करके आप लोग ये जो 12.003 सेकंड की जो आगे फ़ोटो है, ये फ़ोटो में ये इफेक्ट लगाना है। उसके बाद ये जो बीच में जो बड़ा फ़ोटो है, ये बड़ा फ़ोटो में ये इफेक्ट नहीं लगाना है। उसके बाद जो फ़ोटो है में ये इफेक्ट लगाना है। फिर से फ़ोटो को टच करना, इफेक्ट पर जाना, थ्री डॉट पर जाना और पेस्ट कर देना। उसके बाद फिर से एरो आइकन पर टच करना, फ़ोटो को टच करना, इफेक्ट पर जाना, थ्री डॉट पर जाना और पेस्ट कर देना। उसके बाद फिर से एरो आइकन पर टच करना, फ़ोटो को टच करना, इफेक्ट पर जाना, थ्री डॉट पर जाना और पेस्ट कर देना। फिर से एरो आइकन पर टच करना, फोटो को टच करना, इफेक्ट पर जाना, थ्री डॉट पर जाना और पेस्ट कर देना। तो ऐसे करके आप लोग 15 सेकंड तक ये इफेक्ट लगाना है। उसके बाद बीच में जो ये बड़ा फ़ोटो है, ये फ़ोटो में ये इफेक्ट नहीं लगाना है। उसके बाद जो फ़ोटो है, तो मैं फ़ोटो को ऐड नहीं किया हूँ, आप लोग फ़ोटो को ऐड कर लेना। तो ये जो फ़ोटो रहेगा, ये फ़ोटो में भी ये इफेक्ट देना है और ये बीच में जो फ़ोटो है, ये फ़ोटो में ये इफेक्ट नहीं देना। उसके बाद फिर से ये जो फ़ोटो है, ये फ़ोटो में ये इफेक्ट देना है और ये बीच में जो बड़ा फ़ोटो आएगा, ये फ़ोटो में ये इफेक्ट नहीं देना है। तो ये बीच में जो बड़ा फ़ोटो रहेगा, इन बड़ा फ़ोटो में इफेक्ट देने के लिए फिर से बैक हो जाना और सेकिपेट प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। तो ओपन करने के बाद लास्ट में जो एकदम लास्ट में जो इफेक्ट है इसको कॉपी कर लेना। तो उसके लिए फ़ोटो को टच करना, इफेक्ट पर जाना, थ्री डॉट पर जाना और कॉपी कर लेना। उसके बाद फिर से बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। तो ओपन करने के बाद जो छोटे छोटे फ़ोटो के बाद जो बीच में बड़ा फ़ोटो है, ये फ़ोटो में ये इफेक्ट देना है। तो उसके लिए फ़ोटो को टच करना, इफेक्ट पर जाना, थ्री डॉट पर जाना और पेस्ट कर देना। उसके बाद फिर से ये जो बड़ा फ़ोटो है, ये फ़ोटो में ये इफेक्ट देना है। उसके लिए फ़ोटो को टच करना, इफेक्ट पर जाना, थ्री डॉट पर जाना और पेस्ट कर देना। उसके बाद जो फ़ोटो ये फ़ोटो आएगा, तो ये फ़ोटो में भी ये इफेक्ट देना है। मैं ऐसे करके दे देना। तो मैं सारी फ़ोटो को ऐड नहीं किया हूँ, आप लोग फ़ोटो को ऐड कर लेना। और अगर वीडियो एडिट करने में कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट करना। तो उसके बाद एक पानी का इफेक्ट लगाएंगे। तो उसके लिए फिर से एक बार एरो आइकन पर टच कर देना और ये जो फ़ोटो है, ये फ़ोटो में आने के बाद ये इफेक्ट लगाना है। तो उसके लिए प्लस आइकन पर टच करना, इमेज वीडियो पर चले जाना, व्यू ऑल पर चले जाना। तो और ये जो वीडियो है, ये वीडियो मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, उधर से डाउनलोड कर लेना। वीडियो को ऐड करने के बाद थ्री डॉट पर टच करना और ये जो फुल स्क्रीन के नीचे जो ऑप्शन है इसको टच कर देना और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में चले जाना, जूम ऑप्शन पर चले जाना और थोड़ा जूम कर लेना इस तरह। उसके बाद बैक हो जाना और एकदम लास्ट में चले जाना। लास्ट बीट में आने के बाद ये जो आगे का जो पार्ट है, ये पार्ट को काट कर देना। तो काट करने के लिए यहाँ पर टच कर देना, तो वीडियो का जो लेयर है वो काट हो जाएगा। उसके बाद ब्लेंडिंग ऑपेसिटी पर चले जाना, लाइटिंग ऑप्शन पर चले जाना और स्क्रीन कर देना। और उसके बाद फिर से ये जो वॉल्यूम का ऑप्शन है इसको टच कर देना और ये वीडियो का जो वॉल्यूम रहेगा उसको एकदम जीरो कर देना। और अगर आप लोग चैनल का लोगो लगाना चाहते हो तो प्लस आइकन पर टच करना, इमेज वीडियो पर चले जाना, व्यू ऑल पर चले जाना और जिस फाइल में आपका चैनल का लोगो रहेगा उस फाइल को ओपन कर लेना, चैनल का जो लोगो है उसको ऐड कर लेना। तो ऐड करने के बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म में चले जाना, जूम ऑप्शन पर चले जाना, तो थोड़ा छोटा कर लेना। उसके बाद ये जो ऑप्शन है इसको टच कर देना और इस तरह करके सेट कर लेना आप जहाँ रखना चाहते हो। उसके बाद एक बार बैक कर देना, एकदम लास्ट में चले जाना और ये जो है ये ऑप्शन को टच कर देना तो लोगों का जो लेयर है वो एकदम लास्ट में आ जाएगा। तो देखो फोटो का जो कलर था वो अपने आप चेंज हो गया इफेक्ट देने के बाद। तो ऐसे करके आप लोग सभी में इफेक्ट दे देना और फोटो का जो कलर है वो अपने आप चेंज हो जाएगा, चेंज नहीं करना होगा। तो वीडियो कंप्लीट हो जाने के बाद ये जो ऊपर में जो ऑप्शन है इसको टच कर देना और यहाँ पर टच कर देना। और अगर मेरी तरह आप लोग वीडियो एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो देखो मैं कैसे करके रखा हूँ। उसके बाद यहाँ से एक्सपोर्ट कर देना, एक्सपोर्ट होने के बाद सेव कर लेना। तो मेरा आज का वीडियो इतना ही था।